अस्सलाम वालेकुम साइंस क्लास, आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री का बाब नंबर 3 मुगलिया सल्तनत के माशर्ती और इक्तिसादी हालात का तफसीली सवाल नंबर 8 मुगलिया सल्तनत का सूबाई निज़ाम हुकूमत बयान करें ये कर रहे हैं। तो इसके पॉइंट 10 पॉइंट हमने कर लिए थे, आज हम इसके पॉइंट नंबर 11 से शुरू करेंगे और ये जितने पॉइंट रह गए हैं वो आज हम इसको कम्प्लीट करेंगे। तो है जी, हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है कि सरकार सूबों को इंतजामी सहूलत की गर्ज से सरकारों में तकसीम किया गया। ये कदम सूबों में बगावत को रोकने के लिए उठाया गया था। सरकार में दर्ज है दो बड़े अफसर हुआ करते थे, पहला जो है वो शकदारे शकदारा, दूसरा मुनसफे मुनसफा। जो अब पहले हम शकदारे शकदारा को देखते हैं कि शकदारे शकदारा सरकार में अमन अमान के क्याम का जिम्मेदार था और इस मकसद के लिए थोड़ी सी फौज इसके मातहत हुआ करती थी। वो अपने इलाकों में सरकशों की बिकुनी करता, सरकारी काम पर अमल कराता और परगने के शकदार की निगरानी करता था। दूसरा है कि मुनसफे मुनसफा, ये सरकार में जज के फ़राइज अंजाम देता था, दीवानी मुकदमात की समात करता, परगनों में मुनसफों का तकरर करता और इनके काम की निगरानी किया करता था। परगनों के बाहमी तनाजात का फैसला करना और अगर इनकी हद बंदियों के बारे में कोई झगड़ा खड़ा हो जाता तो इसका फैसला करना भी मुनसफे मुनसफा के फ़राइज में शामिल था। उसके बाद 12 पॉइंट नंबर है हमारे पास परगना। हर सरकार मोहतद परगनों पर मुश्तमिल थी, हर परगने में बहुत से देहात हुआ करते थे, हर परगने में 5 अफसर मौजूद रहते थे जो वहाँ का इंतजाम चलाते थे। पहला शकदार, मुनसिफ, मुकदम, फोतादार, कानून गो। शकदार में ये परगने में क्यामो अमन का जिम्मेदार था, मुनसिफ परगने में जज के फ़राइज अंजाम दिया करता था, मुकदम यानी अमीन या मालिया वसूल करने का जिम्मेदार था, फोतादार ये परगने में खजानची के फ़राइज अंजाम दिया करता था, कानून गो ये जेर काश्तराजी का रिकॉर्ड रखता था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देहात। हर देहात में एक चौकीदार, पटवारी और मुकदम मौजूद रहता था। चौकीदार क्यामे अमन का जिम्मेदार था और चोरों पर कड़ी नजर रखता था, रात को गांव में पहरा दिया करता था, पटवारी जमीन का रिकॉर्ड रखता और मालिया का तखमीना लगाता और मुकदम मालिया वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाता था। हर गांव में एक पंचायत हुआ करती थी जिसमें मुअज्जिज़ीन शामिल हुआ करते थे, वो मकामी झगड़े निपटाते और मजलूमों की दादरसी किया करते थे। मुगलों के ने मुल्क को सरकारी परगनों और देहातों में तकसीम करके मकामी अफसरों और लोगों की जिम्मेदारी बढ़ा दी और उन्हें इंतजाम में शरीक करके जिम्मेदारी का मजीद एहसास दिला दिया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इस इंतजाम को बरकरार रखा। तो ये था आपका 8वां तफसीली सवाल का जवाब जो कि आज कंप्लीट हो गया। इसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ नोट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।